गुड मॉर्निंग स्टूडेंट और मेरे फ्रेंड्स हो। तो आज हम बात करते हैं प्रोजेनिक टेस्ट क्या होता है, यानी चयन की विधियां। तो इनमें से हमने दो विधियां पढ़ ली थी। पहली थी व्यक्तिगत, दूसरी थी वंशावली। क्या थी? वंशावली। तीसरी है संतति परीक्षण। संतति परीक्षण, तो इसके बारे में हम आज थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। संतति परीक्षण तीसरी विधि है, संतति परीक्षण। इंग्लिश में बोले तो प्रोजेनी टेस्ट, प्रोजेनी टेस्ट। संतति परीक्षण किसे कहते हैं, यानी क्या है इसकी डेफिनेशन? तो संतति परीक्षण की जो डेफिनेशन है वो है कि संतान के गुणों के आधार पर जनक का चयन करना। क्या है? संतान के गुणों के आधार पर जनक का क्या करना, चयन करना, क्या कहलाता है? संतति परीक्षण कहलाता है। संतति परीक्षण को जीनोटाइप चयन भी कहते हैं। जीनोटाइप चयन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो संतान है उसमें जीनों का, यानी जो जीनोटाइप का मूल्यांकन कर लिया जाता है, जिन संतान में कर लिया जाता है। तो लिख लो आप डेफिनेशन क्या होती है। संतति के डेफिनेशन, संतति के गुणों के आधार पर, गुणों के आधार पर जनक का चयन करना क्या कहलाता है? संतति परीक्षण कहलाता है। संतति परीक्षण कहलाता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या हो गई कि संतति के गुणों के आधार पर जनक का चयन करना क्या कहलाता है? संतति परीक्षण या प्रोजेनी टेस्ट कहते हैं। अब बात आती है आगे, एरो लगा के लिखना है। संतति परीक्षण को जीनोटाइप वरण भी कहते हैं। वरण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जीनों का मूल्यांकन कर लिया जाता है। किसमें? संतान में जीनों का मूल्यांकन कर लिया जाता है। क्योंकि क्योंकि इसमें किसी पशु के जीनोटाइप का मतलब है जीन प्रारूप, यानी जीनों का संगठन को क्या कहते हैं? जीनोटाइप का मूल्यांकन संतति के प्रदर्शन के आधार पर कर लिया जाता है। जीनोटाइप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें किसी पशु के सॉरी पशु के
जीनोटाइप का मूल्यांकन, जीनोटाइप का मूल्यांकन, संतति के प्रदर्शन यानी संतति के प्रदर्शन यानी एग्जीबिशन, एग्जीबिशन जो वो दिखा रहा है बाहर से, एग्जीबिशन के आधार पर कर लिया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, जीनोटाइप वर्ण भी कहते हैं। जैसे संतति परीक्षण, जैसे कि किसी सांड को अलग अलग यानी विभिन्न विभिन्न गाय या सांड सांड जैसे कि भैंसा को मान लो, भैंसा भैंसा होता है, उसके विभिन्न भैंसों के साथ क्या करवाया जाता है, संकरण करवाया जाता है और उससे सहवास करवाया जाता है, तो उनमें जो उत्पादन क्षमता जिस सांड की यानी जिसमें दूध उत्पादन या अंडा उत्पादन, जिस जैसे दूध उत्पादन की अच्छी क्वालिटी है तो जिस सांड द्वारा उसका क्या हुआ है, सहवास हुआ है, तो उसको क्या कर लिया जाता है, चुन लिया जाता है, किसके आधार पर, यानी जो यानी उसमें क्या है, दूध की क्षमता अधिक है, तो ये क्या है, जीनो जीनो टाइप वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, तो लिखो इसमें अगला पॉइंट है, संतति परीक्षण, संतति परीक्षण सुअरों व मुर्गियों में अधिक अपनाया जाता है, अधिक अपनाया जाता है, क्यों, क्योंकि सुअरों में बच्चों यानी संतति बच्चे उत्पादन की क्षमता क्या है, ज्यादा है, मुर्गियों में अंडे उत्पादन की क्षमता ज्यादा है, इसलिए जो संतति परीक्षण है वो सबसे ज्यादा किससे अपनाई जाती है, सुअर और मुर्गियों में। नीचे लिखो पशुओं में, पशुओं में उन सॉरी केवल उन सांडों के लिए, केवल उन सांडों के लिए उपयुक्त है, उपयुक्त है जिनका जिनका फ्रोजन सीमन, फ्रोजन सीमन सीमन कृत्रिम गर्भाधान, कृत्रिम गर्भाधान इंग्लिश में बोले तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान में अधिक अपनाया जाता है, में अधिक अपनाया जाता है। पशुओं में जैसे गाय और भैंसों में, पशुओं में ब्रैकेट में लिखने चाहो तो लिख लो कि गाय और भैंसों में केवल उन सांडों के लिए उपयुक्त है, कौन से सांडों के लिए, जिनका सीमन यानी जो फ्रोजन सीमन, फ्रोजन सीमन मैंने बताया गया कि फ्रोजन सीमन वो होता है जिसको मतलब एक निश्चित टेम्परेचर पर रखा जाता है, यानी आपने देखा होगा इतनी एक्स्ट्रा आती है, एक्स्ट्रा में जो सीमन आता है उसमें शायद 0.5 ml क्या होता है, सीमन होता है, 0.25 ml सीमन होता है, तो उसको एक निश्चित टेम्परेचर पर रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं, फ्रोजन सीमन, को कृत्रिम गर्भाधान में अधिक अपनाया जाता है, जो फ्रोजन सीमन है जिन सांडों का, फ्रोजन सीमन किस में अपनाया जाता है, कृत्रिम गर्भाधान में अपनाया जाता है, उन सांडों को क्या किया जाता है, संतति परीक्षण किया जाता है। आगे है इस विधि में जो प्राकृतिक द्वारा जो सहवास करते हैं उनके लिए ये उपयोग में नहीं है, क्योंकि वो अपने जीवन काल में क्या करते हैं, 8 से 10 पशु या जो संतति है उत्पन्न कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, फिर उनकी क्या है, जनन क्षमता वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, तो इसको उतारो, इसमें जो मेन है वो आपको लिखा दिया, फालतू की चीजें से कोई मतलब नहीं है। इसमें एक उदाहरण दे रखा है,
उदाहरण में क्या है, लिखाने की जरूरत नहीं है कि तीन सांडों को चुना, कितने सांडों को, तीन सांडों को, और तीन सांडों में से अलग अलग, तीन सांडों को अलग अलग आठ गायों से, यानी एक की कितनी है आठ गाय, यानी ए वाले की भी कितनी है आठ गाय, और बे वाले की कितनी है आठ गाय, और से वाले की भी कितनी है आठ गाय, यानी ऐसे कितने गाय को करवाया आठ गाय से, यानी एक मान लो जैसे कांकरेज क्या है सांड है, कांकरेज सांड, या गिर का कोई सांड है गिर का सांड, या फिर साहिवाल का, इनमें से कितने पस कितने सांड चुने, तीन, ए बे और से, तो इनसे जो अलग अलग है यानी ए वाले से कितने गाय से करवाया आठ गायों से, और बी वाले से भी आठ गायों से, और सी वाले से भी आठ गायों से, यानी अलग अलग करवाए आठ गाय, तो इनकी जो बच्चियां हैं यानी इनने कितनी बच्चियां दी, छः छः बच्चियां दी, छः छः बच्चियां, तो आठ गायों से कितनी छः बच्चियां। अब इनमें से देखो कि इसका जो दुग्ध उत्पादन है वो मान लो जैसे लैक्टेशन, पूरा लैक्टेशन पीरियड होता है उसमें 1500 दिया, 1500 लीटर दिया, इसने दिया 2000 लीटर, 2000 लीटर, और इसने दिया मान लो 3000 लीटर। अब मान लो इसका फैट यानी जो बच्चियां हैं है ना, इनसे जो संतति उत्पन्न हुई, जो बच्चियां हैं इनका जो दुग्ध उत्पादन है यानी इनने 6 बच्चियां दी, और इनका जो दुग्ध मतलब फैट है, फैट कितनी है मान लो इसका 4.8 फैट आया, इसका 5 आया है ना फैट 5%, और इसका आया मान लो 8%, तो सबसे ज्यादा किसका आया, से वाले का, यानी जो इसमें दुग्ध उत्पादन और इनकी जो फैट है वो क्या है सबसे ज्यादा है, तो इसको चुन लिया जाता है, यानी ये कैसा है इन तीनों में श्रेष्ठ है, ये उदाहरण दे रखा है, इसको लिखाने की जरूरत नहीं है, नहीं है एग्जाम में आता, ठीक है, समझाने के लिए इतना बता दिया। अब बात आती है प्रोजेनी टेस्ट, प्रोजेनी टेस्ट, प्रोजेनी टेस्ट के लिए जो अनिवार्यता है, के लिए अनिवार्यता यानी क्या चाहिए, इसका मतलब क्या है, प्रोजेनी टेस्ट के लिए क्या करना है अनिवार्य, यानी क्या क्या अनिवार्य है, तो इसमें जो पहला अनिवार्य है उसमें है सभी चयन होने वाले नर पशुओं को, क्या है सभी चयन होने वाले नर पशुओं को, यानी नर पशुओं को क्या करवाएं, सहवास का मौका दें। दूसरा है कि जो सब इनसे जो संतति उत्पन्न हुई है उनको एक समान वातावरण और खान पान में रखना चाहिए। तीसरा है प्रत्येक चयन होने वाले नर की कमी से कम 5 संतति उत्पन्न होनी चाहिए। तो पहला लिख लो आप, पहला है सभी चयन, सभी चयन होने वाले नर पशु, होने वाले नर पशु को मादा पशु के साथ, मादा पशु के साथ सहवास का समान अवसर दें, समान अवसर दें। तो पहला क्या है कि सभी जो चयनित नर पशु हैं उनको मादा पशु के साथ सहवास का समान अवसर दें, यानी उनको समानता का अधिकार, एक तरह का समानता का अधिकार, यानी जिन 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 का चयन किया है उनको समान रूप से सहवास करवाएं। दूसरा क्या है, सभी की संततियों को, यानी जिन जिन से चुना और उनसे जो उत्पन्न संतति है, क्या है यानी जिन जिन नरसांडों को सुना चुना उनसे जो उत्पन्न संतति है ना, कि संततियों
एक समान वातावरण वातावरण व खान पान पर रखना चाहिए, पर रखना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या है? प्रत्येक चयन होने वाले नर पशु की कम से कम 5 संतति इस जांच में कौन सी जांच में? प्रोजेनी टेस्ट में, जांच में होनी चाहिए। क्या है तीसरा? कि प्रत्येक चयन होने वाले नर पशु की कम से कम पांच संतति इस जांच में होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 5 संतति। इससे क्या है, उनका टेस्ट का भी पता चल जाता है। अगला क्या है, ऊपर लिख देता हूं। चौथा है, जितनी अधिक संतति संततियां होंगी, कितनी होंगी? जितनी अधिक संततियां होंगी उतनी ही त्रुटि कम होंगी। कहने का मतलब क्या है कि जितनी अधिक संततियां होंगी उतनी त्रुटियां कम होंगी। मान लो किसी नर सांड का, यानी पहला जो संकरण है, पहला जो सहवास करवाया उसमें उसकी त्रुटि है, जैसे मान लो वो 75% ठीक है और उसमें त्रुटि कितनी है? 25%, है ना?